हेलो फ्रेंड्स, होमार चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत नए डिज़ाइन का डोरमैट बनाना सिखाऊंगी। हम दो पार्ट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम कटिंग करके इसके दो पायदान भी बना सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है देखो हमारा ये डिज़ाइन। तो चलो हम डोरमैट बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने छोटी छोटी कतरन ली है। इस कतरन की लंबाई चौड़ाई 3 इंच है। इसकी चौड़ाई भी 3 इंच है और लंबाई भी इसकी 3 इंच है। इसको मैंने 3-3 इंच में कटिंग किया है। ये कितना अच्छा लग रहा है। इससे हम अपना डोरमैट तैयार करें। ये मैंने एक थैला लिया है। इस थैले की लंबाई 24 इंच है और चौड़ाई भी 24 इंच है। इसकी लेंथ इतनी है। तो इस पे हम अपनी कटिंग करेंगे। जैसे मैंने निशान लगा रखे हैं वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। जैसे निशान लगा रखे हैं वैसे हम इसको कट करके और हमें इस शेप में हमें 4 पार्ट काटने हैं और फिर हमें अपना पायदान तैयार करना है। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कतरन ली है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम धीरे धीरे। इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये हम कलरफुल बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक कोने से लेके जो बीच के 2 कोने हैं वहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। फिर हमें इसको सीलना है। इस तरीके से हमें धीरे धीरे इसकी सिलाई करनी है। ये देखो यहाँ से पकड़ो, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे आराम से हमें बंट लगाने हैं। इसमें बंट लगाने के बाद में ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, इसकी शेप अच्छी आती है। ऐसे ही हमें धीरे धीरे इसको तैयार करना है। इस तरीके से बाकी को भी हम ऐसे ही धीरे धीरे बंट लगा के इसकी सिलाई करेंगे हम। ये कितना अच्छा लग रहा है देखो। ये बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगेगी। यहाँ से पकड़ो इसको कतरन को इस कोने से। यहाँ ये 2 बीस के कोने हैं, यहाँ तक हमें इसको बंटना है। ऐसे पकड़ के इस तरीके से रख के हमें सिलाई करनी है।
तो ये हमारा काफ़ी सारा बनके तैयार हो गया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसका लुक देखो कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरीके से हम फोल्ड करते रहेंगे और सिलाई करते रहेंगे। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें चार पार्ट कट करने हैं, जैसे मैंने निशान लगाए थे वैसे ही हमें इस कट्टे के चार पार्ट कट करके चारों को अलग अलग सिलना है। हमें जैसे इसकी शेप बना रही हूँ वैसे ही हमें बाकी तीन की भी शेप बनानी है। बिल्कुल अलग अलग तरीके से हमें इसको सिलना है, चारों पार्ट को अलग अलग सिल के ये डिजाइन बना के, और हमें इसको जॉइंट करना है इस तरीके से। इस तरीके से बनेंगे, देखो। वैसे आप भी ऐसे, लॉकडाउन चल रहा है वैसे भी घर पे कोई काम तो होता नहीं है, ऐसे फ्री बैठे क्या करते हैं हम, हमारे लिए काम भी हो जाता है अच्छा अच्छा और हमारे घर से कचरा भी निकल जाता है, ऐसे बेकार में नहीं पड़ा रहता और हमारा काम भी बन जाता है। ऐसे फ्री बैठे रहने से तो अच्छा है हम कोई काम करें तो अच्छी बात होती है ना। इस तरीके से हम अपने डिजाइन को तैयार कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है देखो। ये देखो हमारा काफी सारा बनके तैयार हो गया, ये लगभग आधे हिस्से का आ गया है, जो एक पार्ट बना रही हूँ वो लगभग आधे हिस्से में आ गया है। और वैसे ये एक कलर से भी अच्छा लगता है, और जैसे हम चार पार्ट बना रहे हैं तो हम चार कलर से भी बना सकते हैं। एक पार्ट को एक कलर से यूज कर सकते हैं, एक पार्ट को एक कलर, चारों पार्टों को हम चारों कलर से यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेटर भी होता है। तो वैसे उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब तो हमें छोटी छोटी बची हुई कतरन काम में ले रहे हैं। जैसे हम सूट सिलते हैं बाकी पेंडिंग जो पड़ी होती है कतरन उसको हम काम में ले रहे हैं, और जैसे हमें सिंगल कलर या चार कलर से हमें बनाना है तो उसके लिए हमें अलग से कपड़ा लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे पास छोटी छोटी कतरन थी, तो मैंने सोचा इसी कतरन से अपने लिए एक सुंदर सा डोरमैट तैयार करके देखते हैं, तभी मैं लेके नहीं आई। तो मैंने सोचा यही कर लेते हम तैयार, तो ये अच्छा रहेगा। ये कितना अच्छा लुक आया देखो, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम कैंची से कट करेंगे, इस शेप में हमें कैंची से कट करना है। ये कट करके रख लिया मैंने, ये शेप को कट कर लिया है मैंने, ये देखो इस तरीके से कट करके रख लिया है इसको। ऐसे ही हम इस पे तैयार करेंगे, जैसे हमें पहले वाले को कवर किया है, डिजाइन तैयार किया है, वैसे ही हम इस पे अपना डिजाइन तैयार करेंगे। सेम हमें यही चीज बनानी है। ये मैंने चार पार्ट बना के रख लिए हैं, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चारों पार्टों को मैंने अलग अलग बना के रख लिया है, कितना अच्छा लग रहा है देखो। अब हमें इसको जॉइंट करना है, जोड़ना है हमें, कैसे हमें इसकी जॉइंट से सिलाई करनी है। तो कैसे सिलाई करनी है देखो, हम यहाँ रखेंगे सीधे के ऊपर, उल्टा रखेंगे, यहाँ से हमें सिलाई करनी है। ये मैंने एक नीडल ली है, नीडल और धागा लिया है, इससे मैं इसकी दो पार्ट हैं इनको मैं सिलूंगी एक साथ। तो सिलाई करने के बाद में हमारा डोरमैट बनके तैयार हो जाएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ऐसे ही हमें सिलना है इसको, धीरे धीरे हम इसको सिलेंगे, क्योंकि इस पे सिलाई वाली मशीन तो चलती नहीं है, हाथ से हम इसकी सिलाई कर सकते हैं। ये मैंने सिल के तैयार कर लिया है, देखो आधा सिल लिया मैंने, अभी हम इसको और सिलेंगे, कुछ बाकी पड़ा है सिलाई के लिए। ऐसे फोल्ड कर करके हम इसको सिलाई देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब मैंने इसको सिल के तैयार कर लिया है, अब यहाँ हम नोट लगाएंगे।
यहाँ पे हमें एक नोट लगानी है। इसको तैयार कर लिया हमने, ये सिलना है, वैसे ही हमें दूसरे पार्ट को सिलना है, उसको भी हमें ऐसे ही सिल के तैयार करना है। इसको सिल दिया है मैंने, अब दूसरे पार्ट को सिलना शुरू करते हैं। इस तरीके से ये सिल के तैयार हो गया हमारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इसको भी तैयार कर लिया है, अब हमें चारों को सिल के तैयार कर लिया है। अब हमें बीच में इसकी सिलाई देनी है, कैसे हमें सिलना है इसको। इसको इस तरीके से रख के, दोनों को ऐसे उल्टा रख के, यहाँ पे हमें इसकी सिलाई करनी है। तो चलो हम सिलाई करना शुरू करते हैं, कैसे हमें इसको जॉइंट करना है, यहाँ से हमें इसको अच्छी तरह से सिलना है। मैंने दो को तो वैसे सिलाई कर ली है, बीच में जो जॉइंट लगाया उसको तो मैंने नीडल की सहायता से हाथ से सिल लिया है। अब यहाँ पे मैं सिलाई मशीन से सिल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मशीन चल रही है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे सिलाई कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने 3 इंच चौड़ाई पाइपिंग के लिए कतरन दी है, इससे हमें अपनी पाइपिंग यूज करनी है। कि कैसे हमें यहाँ पाइपिंग यूज करनी है, कि मैंने कपड़ा लिया है, इसको हम किस तरीके से फोल्ड करके कैसे हमें सिलाई करनी है। ऐसे फोल्ड करो कपड़े को, इस तरीके से फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके यहाँ से हमें इसको सिलना है। इस तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है पाइपिंग की सहायता से। ये कतरन पकड़ो, यहाँ से फोल्ड करो, इस तरीके से फोल्ड करके वैसे हमें इसको सिलना है। अब हमें बीच में किस तरीके से पाइपिंग तैयार करनी है, देखो पहले हम बीच में लगा लेते हैं, दोनों साइड में प्लस का निशान बन जाएगा, यहाँ पे हम रख के सिलाई करेंगे इसके ऊपर। दो सिलाई देनी है हमें दोनों साइड में, एक एक। पहले हम इस कोने पे लगाएंगे, फिर हम दूसरे कोने पे लगाएंगे, इस तरीके से। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो ऐसे हम पाइपिंग तैयार कर रहे हैं। अब दूसरी साइड और सिलाई कर देते हैं, बीच का हिस्सा ये। कितना अच्छा लग रहा है देखो, हमारा डोरमैट या पायदान। अब हम इस कोने से लेके सिलाई करेंगे इसकी, इस तरीके से। ऐसे हमें इसको पूरे को कवर करना है पाइपिंग की सहायता से। तो देखो मैंने पाइपिंग करके पूरे को कवर कर लिया है, पाइपिंग भी तैयार कर दी है लगा के। कितना खूबसूरत लग रहा है देखो हमारा डोरमैट का डिज़ाइन। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ।